हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फिल्म जिगरा जो है वो 11 तारीख को रिलीज हो चुकी है। फिल्म गली बॉय से गिनना शुरू करें तो उसके बाद सिनेमाघरों में रिलीज फिल्मों में आलिया की कलंक, सड़क 2 और गंगूबाई काठियावाड़ी और आरआर, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का दर्शकों पर असर मिला है, मिला जुलाई रहा है। उनका ब्रांड मजबूत करने को हिंदी सिनेमा के तथाकथित सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर करण जौहर ने दिन रात मेहनत करते हैं। आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट उन्हें लगातार सलाह देते हैं। फिल्म का मूल आधार वही है जिस पर आलिया के चाचा मुकेश भट्ट ने पहले दिव्या कोसला कुमार को लेकर फिल्म सावी बना ली है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की जो कहानी है, फिल्म जिगरा की कहानी एक अनाथ भाई बहन पर आधारित है जो कि माता पिता की मौत के बाद सत्या आलिया भट्ट अपने छोटे भाई अंकुर वेदांग रैना का ख्याल रखती हैं। सत्या बचपन से ही अपने छोटे भाई अंकुर को लेकर काफ़ी पैसेजिव रही हैं। वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती हैं। सत्या अपने बड़े पापा आकाशदीप, दूर का रिश्तेदार, बिजनेस में उसकी मदद करती हैं और दोनों उनके घर में ही रहते हैं। एक दिन आलिया के बड़े पापा बिजनेस के लिए अपने बड़े बेटे कबीर के साथ विदेश भेज देते हैं, जहां कबीर ड्रग्स के केस में फंस जाता है। लेकिन उसके साथ पुलिस अंकुर को भी हिरासत में ले लेती है। आलिया के बड़े पापा अपने बेटे कबीर को तो बचा लेते हैं, लेकिन अंकुर को हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हुए वहीं छोड़ देते हैं, जहाँ अंकुर को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। आलिया समझ जाती है कि ये अंकल नहीं किया है जो अपने बेटे को तो बचा लाए और अब अपने मेरे भाई को वहाँ पे मरने के लिए छोड़ आए और अपने भाई को बचाने के लिए निकल पड़ती हैं। क्या सत्य अपने भाई को बचा पाएगी? यही इस फिल्म का सस्पेंस है। तो इस फिल्म को आप 11 तारीख से थिएटर में देख सकते हैं। तो फिल्म बहुत ही अच्छी होने वाली है और फिल्म का हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आलिया की बहुत दिनों बाद मूवी देखने को मिलेगी। तो थिएटर में आप जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मूवी कैसी है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।